What's up everyone? Welcome back to the channel. तो आज की इस शानदार क्लास का आप सभी को इंतजार था क्योंकि आज हम वो टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में 100% हंड्रेड परसेंट आएगा नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन भी नहीं हंड्रेड परसेंट आएगा और आपको ये बनाने आने ही चाहिए तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट्स के बारे में फिक्सचर्स कैसे बनते हैं बाइस कैसे दिए जाते हैं सीडिंग क्या होता है कितने प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं तो दिस इज गोइंग टू तो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें आपको काफी कुछ लिखना पड़ेगा तो जाओ कॉपी पेन लेके आओ और अपने फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को करो कंप्लीट चलिए लेट्स विगेन चलो जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले टूर्नामेंट के साथ तो सर टूर्नामेंट क्या होता है टूर्नामेंट का मतलब एक ऐसा

या कॉम्बिनेशन अब आपको तीनों ही ले लो. <laughs> का मतलब होता है जब एक टीम जैसे ही मैच हारेगी तो बाहर हो जाएगी मतलब उसको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा लाइफ गिव्स यू ओनली वन चांस ठीक है तो ये हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट में आता है कि टीम अगर हार गया तो वो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से फिर वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा लीग में क्या होता है लीग में मौका मिलता है तो लीग का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास दूसरा नाम याद रखना राउंड रॉबिन ठीक है राउंड रोबिन टूर्नामेंट जो होता है ये भी लीग के अंदर आता है अब लीग में क्या होता है कि टीम को एक सेकेंड चांस भी मिलता है सर क्यों मिलता है क्योंकि लीग में ना हर टीम हर टीम से टकराती है मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपका बाकी टीम से आपको खेलने का मौका ही नहीं मिला बस एक टीम से खेले और आप बाहर हो गए नहीं आपके मैचेस होंगे सभी टीम्स के साथ अब इसके अंदर भी दो तरीके की लीग्स होती हैं सिंगल लीग और डबल लीग अगर आपका हर टीम के साथ एक एक मैच हो रहा है तो सिंगल लीग दो 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 मैचेज हो रहे हैं तो डबल लीग तो ये हमारे पास लीग में आ जाता है ठीक है नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है जब बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो तो हम ऐसा कर लेते हैं कि शुरू के कुछ जो पर्टिकुलर मैचे हैं वो रखे जाएंगे लीग और बाद में बस नॉकआउट हो जाएंगे जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं नॉकआउट होते हैं कि भाई अब हार गए तो बाहर अब दूसरा राउंड नहीं मिलेगा उससे पहले चांस मिलता है है ना तो तीन प्रकार के टूर्नामेंट्स हैं नॉकआउट लीग एंड देन कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ रहे हैं फिक्सचर्स बायस एंड सीडिंग्स इनको ध्यान से समझ लो फिक्सचर्स क्या होता है फिक्सचर्स का मतलब सीधा सीधा अरेंजमेंट फिक्सर्स का मतलब क्या है अरेंजमेंट अब भैया टूर्नामेंट में तो बहुत सारी टीम्स होंगी ना तो उन टीम्स में कौन सी टीम किससे खेलेगी इसका प्रॉपर अरेंजमेंट कौन से मैच कब होगा होगा किस टीम के साथ होगा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं अभी हम लोग देख रहे थे विमेन आईपीएल तो में अलग अलग टीम्स है ना तो उनके अरेंजमेंट करे गए है ना तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फिक्सचर्स क्या है द टर्म फिक्सर्स रेफर्स टू प्रोग्राम्स लिस्टिंग विच टीम विल प्ले विद होम वेयर एंड वेन फिक्चर्स इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर क्लियर उसके बाद आता है बाईस बाईस क्या आता है देखो बाइस बेसिकली ऐसा होता है कई बार जब हम फिक्सर्स बनाते हैं तो हमारे पास ना एक टीम अलग रह जाती है तो हम उसको बोलते हैं चलो ठीक है यार आप राउंड वन में मत खेलो आप राउंड टू में खेलना राउंड का मतलब होता है कि एक अरेंजमेंट में हम अलग अलग राउंड्स बनाते हैं जैसे सपोज चार टीम्स हैं ए बी सी डी ए बी से खेलेगी सी डी से खेलेगी पहला राउंड हो गया फिर इन दोनों में से जो जीतेगी वो सेकंड राउंड्स में जाएगी सपोज ए जीत गई और सी जीत गई दूसरा राउंड फिर विनर तो ये राउंड्स हैं अब सपोज अगर पांच टीम हो तो फिर अब क्या होगा हमारे पास सर ए बी सी अलग हो गई डी और ई e अलग हो गई इसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिवाइड करना है ग्रुप्स कैसे बनाने हैं अब सपोज ए और बी का हो गया डी और ई e का हो गया सी अलग रह गई तो सी को क्या देना पड़ेगा बाय देना पड़ेगा C को हम क्या देते हैं बाय देते हैं कि आप अगले राउंड में खेलना इस राउंड में आपका नंबर नहीं आ रहा समझ गए तो क्या है बाय बायस अ टीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड पहले राउंड में आपको नहीं खेलना ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉज इट शुड बी गिवन टू एनी पार्टिसिपेटिंग थ्री टीम थ्रू रेंडम लॉटरी रेंडम लॉटरी के थ्रू हम लोग दे देते हैं इसको इन अ टूर्नामेंट बाय इज जनरली असाइन टू द टीम बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी नॉट टू प्ले अराउंड ड्यू टू वन ऑफ द सेवरल रीजन क्या रीजन हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है सेपरेट पूलिंग ऑफ प्रीवियस विनर्स ये भी मैं भी आपको बताऊंगा क्या है टू अवॉइड वन टीम फ्रॉम प्लेइंग मोर ऑन अ सिंगल डे एक टीम के एक से ज्यादा मैचेस ना आ जाए या मल्टीपल मैचेस ना आ जाए थक जाएगी वो इसको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग कई बार बाइज यूज करते हैं ओके अब होता है हमारे पास सीडिंग सीडिंग क्या है बेसिकली सीडिंग होता है अब देखो बाइज और सीडिंग में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे पहले बाइज का मतलब क्या होता है कि आप फर्स्ट राउंड में मत खेलो सीडिंग भी यही है कि आप शुरू में मत खेलो आपको मौका देंगे आप आगे खेलो सर सीडिंग करी क्यों जाती है देखो समझो बाय तो तब आता है पिक्चर में जब हम हमसे अरेंजमेंट नहीं हो रहा होता प्रॉपर मतलब में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा बट सीडिंग में क्या होता है सीडिंग में होता है कि यूजली हम इनिशियल फेज ऑफ द टूर्नामेंट में अच्छी टीम्स को नहीं खिलवाना चाहते हम लोग ये चाहते हैं कि जो अच्छी टीम्स हैं वो बाद में खेलें क्योंकि अगर शुरू में वीक टीम के साथ एक अच्छी टीम खिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि अगर बढ़िया टीम बाहर हो गई तो टूर्नामेंट का अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा जैसे हम जब भी वर्ल्ड कप्स देखते हैं अगर वर्ल्ड कप में इंडिया को छोटी टीम्स के साथ आप खिलाओगे शुरू में और इंडिया बाहर हो जाए तो इतने पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स को कौन देखता है सबसे ज्यादा इंडियन से तो देखते हैं इंडिया ही बाहर हो जाएगा तो क्या होगा इसीलिए इंडिया को कभी भी शुरू में छोटी टीम से नहीं खिलाया जाएगा इंडिया को मौका दिया जाएगा कि आप बड़ी टीम के साथ खेलो और बाद में खेलना इसको हम क्या बोलते हैं सीडिंग बोलते हैं तो सीडिंग बेसिकली रैंकिंग्स के आधार पे टीम को आगे पुश करा जाता है जो अच्छी टीम्स है उन्हें बाद में खिलाया जाता है और बायस बायस तो ड्यू टू ऑर्डर के हिसाब से वो बायस तो जनुइन है उसमें तो किसी को भी बाय मिल सकता है ठीक है तो क्या लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच टीम्स विल बी प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट गुड टीम दैट हैव अ रैंकिंग और प्रीवियस ईयर पोजिशन डू नॉट मीट अनदर टीम एट एन अर्ली स्टेज अर्ली स्टेज पर उनको नहीं भिड़वाते आपस में प्रोसीजर इज जनरली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स एट द अर्ली स्टेज ठीक है अब हमारे पास आ रहा है कि सर हम फिक्सर्स कैसे बनाते हैं फिक्सर्स सीखने के लिए आप कॉपी पेन लेके आओ हम मैं चलता हूँ नोट पे आजा भाई नोट आ गए सर लो जी हाउ टू ड्रॉ फिक्सर्स फिक्सर्स कैसे बनाए जाते हैं पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में सीखेंगे उसके बाद लीग टूर्नामेंट में सीखेंगे आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना और ऐसे ही एक पूरा चार्ट तैयार करना ताकि आपके पास हर चीज लिखी भी हो ठीक है अब देखो हाउ टू ड्रॉ फिक्स में कुछ स्टेप्स हैं हैं जो आपको आपको अपने पास नोट करके चलने और वो हेल्प करेंगे करने में सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता होना चाहिए कैसा टूर्नामेंट है जिसमें टीम अगर एक बार हार गई तो बाहर हो जाएगी उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो अब क्या है अगर इवेंट टीम्स हैं तो क्या करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आठ टीम चार टीम छह टीम इवेंट टीम्स के फिक्सर ड्रॉ करने में नहीं होंगी तीन पांच सात ना तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है सबसे पहले है बेसिक चीज नोट डाउन करो बेसिक चीजें क्या है लो टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एन से टोटल नंबर टीम्स क्या बोली जाएंगी एन ठीक है

यही नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं ठीक है उसके बाद अगर इवन टीम्स हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी एन बाई टू जैसे अभी आठ टीम थी तो एट बाई टू चार टीम ऊपर वाले हाफ में होंगी चार टीम नीचे वाले हाफ में होंगी ठीक है अगर ओड है तो एन प्लस वन बाय टू एन माइनस वन बाई टू यह भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा ये भी काम आएंगे पहले इसको नोट डाउन करो ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेने हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है मैच कितने होंगे राउंड्स कितने होंगे इवन है तो अपर और लोअर में कितनी टीम्स होंगी और ओड है तो अपर और लोअर में कितनी टीम्स होंगी ठीक है परफेक्ट है बस ये याद रखना अगर ओड है तो जो ऊपर वाला हाफ होगा ना अपर हाफ होगा उसमें एक टीम ज्यादा होगी बस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें एक एक टीम ज्यादा होगी ओके तो ये नोट करो उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हाउ टू कैलकुलेट द बाइज बायज कैसे कैलकुलेट करने हैं बाय कैसे देने हैं तो बाय में भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है M से डिनोट होगा उसके बाद आप पावर ऑफ टू चेक करो ऐसे लिख लेना टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर अब ये आ गया टू फोर एट सिक्सटीन मिल गया नहीं मिल गया अब आपको क्या करना है जो बाय देना है वो नेक्स्ट हाइयर पावर पे देना है ठीक है वो किस पे देना है नेक्स्ट हाइयर पावर पे जैसे हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स थी वो आठ थी नंबर ऑफ टीम्स एट थी जो इवन में हम लोग ले रहे हैं तो अब चेक करो क्या एट यहाँ पे कहीं आता है टू फोर एट ये आ गया एट तो अगर आ जाता है तो यहां पर आपको कोई भी बाय देने की जरूरत नहीं है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है टू की पावर एन माइनस एन यानी हमारे वाले केस में एट माइनस एट तो बाइज जा आ जाएंगे जीरो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क क्वेश्चन अगर जो आपका नंबर ऑफ टीम्स है वो टू के मल्टीपल में है टू के पावर में है मल्टीपल में नहीं पावर में टू के पावर वन टू थ्री फोर जैसे सिक्स भी टू का मल्टीपल है लेकिन वो यहाँ नहीं होता ठीक है तो अगर वो पावर्स में आ जाता है तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बाइज होंगे वो जीरो होंगे ओके प्रोसीजर क्या है बाय देने का वो है नून ये थोड़ा सा ध्यान से मैं थोड़ा फनी बनाया ताकि आप भूलो ना नीचे ऊपर ऊपर नीचे कैसे अभी बताऊंगा उसके बाद नंबर ऑफ बाइज कितने होते हैं अगर इवेंट टीम्स हैं जैसे आठ हैं हमारी आठ टीम्स थी तो बाइस डिवाइड बाई टू ठीक है इस बार तो हमारे बाइस ही नहीं थे सही है ना तो वो आपको उस हिसाब से देख के चलने हैं राइट right? और ओड है तो नंबर ऑफ बायज माइनस वन पॉइंट टू नंबर ऑफ बाइज प्लस वन टू ये कैसे होता है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ अभी रुक जाओ फिलहाल नोट कर लो आप इसको ये सब तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए कहां कहां यूज होगा कैसे कैसे होगा वो मैं भी बताता हूँ नोट करो इसको हो गया डन चलो अब एक काम करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से फिक्सचर्स बनाना तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए जैसे आठ टीम के लिए बनाना है ठीक है तो अब मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले तो एन ढूंढ लो एन का मतलब नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी हो गई आठ हो गई उसके बाद मैचेस देख लो कि मैचेस कितने होने वाले हैं मैचेस होंगे एन माइनस वन यानी कि एट माइनस वन सात मैच होंगे सही है सात मैच होंगे उसके बाद ढूंढो बाइज क्या हमें बाय देने हैं तो बाइज में हम देख देखते हैं टू की पावर टू की पावर वन या ऐसा ले लो टू की पावर एन माइनस एम ठीक है ना माइनस एन नंबर ऑफ टीम्स तो यहां पे जो था टू की पावर कौन सी चलेगी टू की पावर वन पे तो टू हो जाता है टू की पावर टू पे फोर हो जाता है टू की पावर थ्री पे एट हो जाता है ये आ गया सेम हो गया ना सर अगर सेम ना हो तो सेम ना हो तो नेक्स्ट हायर पावर लेनी है अभी वो भी दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे तो आ गया एट माइनस एट तो यहाँ तो जीरो बाय ज़ीरो हो जाएंगे ठीक है इस केस में कोई बाय नहीं देना पड़ेगा सही है सर सर अपर हाफ में कितनी टीम होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी तो यहां पे देखो अब इवन नंबर है अगर इवन नंबर है तो मैंने क्या बताया एन बाई टू सीधा सीधा इवन नंबर है तो एन बाई टू एन बाई टू अगर आप करोगे तो कितने नंबर ऑफ टीम्स है एट एट बाई टू चार ऊपर चार ऊपर होंगी चार नीचे होंगी चलो शुरू करते हैं फिर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ टीम हो गई ये तुम्हारा अपर हाफ और लोअर हाफ हो गया ये आपका अपर हाफ हो गया चार टीम ऊपर और ये आ गया लोअर हाफ चार टीम नीचे ठीक है वेरी सिंपल अब आपको देखना है कि सर राउंड्स कितने होंगे नंबर ऑफ राउंड्स राउंड्स कितने होंगे मैंने बताया था टू के पावर एन में जो एन होता है वो राउंड्स होते हैं तो हमारी टू के पावर थ्री आई थी ना तो नंबर ऑफ राउंड्स तीन होंगे यहाँ पे ये टू की बार एन यहां पे हमने तीन वाला लिया था ना तो तीन राउंड होंगे तो यहां पे डालूंगा राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री तीन राउंड में टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा समझे अब देखो बाईस की हमें जरूरत ही नहीं है सिंपली क्या होगा पहले राउंड में ये फर्स्ट वाली टीम दूसरे वाली टीम से भिड़ेगी ये टीम इससे ये टीम इससे ये टीम इससे हो गए ठीक है चार मैच हो गए या नहीं हो गए सही अब सपोज यहां से एक टीम जो भी जीतेगी जो भी विनर होगा वो आगे जाएगा एक टीम यहाँ से जो भी जीतेगी वो आगे जाएगी फिर वो आपस में भिड़ेंगे ठीक है दूसरे राउंड में फिर इनमें से जो भी विनर होगा वो आगे इनमें से जो भी विनर होगा वो आगे फिर ये आपस में भिड़ेंगे उसके बाद फाइनल राउंड थ्री में यहाँ पे जाएंगे एक आपस में भिड़ेंगे और जो भी जीतेगा वो हमारा विनर हो जाएगा तो अब देखो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन दैट इज सेवन मैचेस आया नहीं आया समझ में देख रहे हो यहां पे हमें की जरूरत नहीं पड़ी थी सर बाईस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी बाईस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि जो टीम्स थी वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो बाय की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी एक और करके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम अब सिक्स मैचेस का ट्राई करते हैं छ मैचेस का बना के देखते हैं ठीक है तो फिर से आपको कुछ बेसिक चीजें पहले कैलकुलेट कर लेनी है कि सर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है छ मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन पांच मैच होंगे ठीक है अब देखते हैं सर क्या हमें यहां पे बाइस देने पड़ेंगे बाइस कैसे निकलता है टू की पावर एन माइनस एन ठीक है ना टू की पावर एन माइनस एन चलो अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि टू की पावर वन टू की पार टू टू की पावर थ्री तो देखो टू फोर एट अब हमारे पास था छ हमारे पास क्या था सिक्स था हमारे पास तो अब यहां पे जब सिक्स है तो सिक्स से बड़ा वाला नेक्स्ट हायर पावर या तो सिक्स हो या उससे बड़ा उससे बड़ा तो एट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू की पार थ्री माइनस सिक्स तो ये आ गया एट माइनस सिक्स तो आपको दो बाईस देने पड़ेंगे इस बार कितने बाइस देने पड़ेंगे दो बाईस देने पड़ेंगे और ये जो टू की पार एन होती है थ्री यही आपके राउंड हो जाते हैं राउंड कितने होंगे तीन उसके बाद अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी इवन है तो एन टू सिक्स टू तीन लोअर हाफ में भी कितनी टीम होगी तीन होंगी लो बेसिक क्राइटेरिया सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है चलो वन टू तीन छ मैचेस नहीं छीम्स एक दो तीन चार पांच लो ये आपका अपर हाफ ये आपका लोअर हाफ ठीक है अब सर बाइज कैसे देते हैं बाइज मैंने आपको सिखाया था नून सर ये नून क्या है नून है नीचे नीचे का मतलब लोअर हाफ में सबसे नीचे इसको हम देंगे बाय फर्स्ट ऐसे ही देना यही प्रोसीजर है ठीक है नीचे नीचे का मतलब लोअर में नीचे उसके बाद ऊपर ऊपर का मतलब अपर में फर्स्ट अपर में फर्स्ट ये हो गया ठीक है अब उसके बाद ऊपर ऊपर लेकिन चलना इसी ऑर्डर में है भाई ये हो गया पहले ठीक है नीचे से शुरू हुआ ना ये हो गया फिर ये हो गया अब इसमें कौन सा ऊपर तो इसको दूंगा बाय थर्ड इस तरीके से चलना है यहां पे तो दो ही देने थे लेकिन सपोज मैं आगे चलू अब यहां पे हो गया तो नीचे लेकिन इसमें नीचे वाला तो इसको दूंगा बाय फोर फिर उसके बाद अगर सर इससे ज्यादा देने हो तो फिर रिपीट कर दो नीचे यहां पर अब ये तो है नहीं तो इसके ऊपर वाला फिर ऊपर ऐसे बाइस दिए जाएंगे समझे किस तरीके से देने मतलब कि आपको जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है किस तरीके से नीचे से अब नीचे में भी नीचे तो नीचे में नीचे ये, ऊपर ऊपर में ऊपर ये फिर ऊपर इसमें ऊपर वाला इस तरीके से आई बात समझ में परफेक्ट हो गया सही हो गया चलो ये बाईस दे दिया आपने अच्छा नंबर ऑफ राउंड कितने थे नंबर ऑफ राउंड तीन थे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ठीक है अब इसको बाय मिल गया तो, ये तो जाएगा सीधा टू में से राउंड टू में, तो में, है? में से जो भी लड़ेगा फिर जो भी इन दोनों में से जीतेगा आपस में लड़ाई करेंगे और यहां से आपको विनर मिलेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पांच जो कि मैंने आपको बताया था कि मैचेस कितने होंगे पांच होंगे आई बात समझ में तो सिक्स टीम्स का भी बना दिया हमने एट टीम्स का भी बना दिया हमने अब आपका होमवर्क क्या है प्रैक्टिस करो टेन टीम्स ट्राई करनी है ठीक है चलो सर अब चलते हैं हम लोग किस पे अब हम चलते हैं ओर टीम्स के फिक्सर कैसे बनाने हैं जैसे सपोज थर्टीन टीम्स तो सर अगर तेरह टीम्स हैं तो क्या करना पड़ेगा आओ जी शुरू करते हैं सबसे पहले एन कितना हो गया थर्टीन मैचेस कितने होंगे एन माइनस वन थर्टीन माइनस वन बारह मैच यहाँ पे होने वाले हैं ठीक है उसके बाद सर बाईस बाईस कितने देने पड़ेंगे हमें यहाँ पे बाईस के लिए मुझे देखनी पड़ेगी टू की पार एन माइनस एन तो टू की पार वन टू की पार टू टू की पार थ्री टू की पार फोर देखो जरा काम हो रहा है क्या दो चार आठ सोलह हो जाएगा थर्टीन है थर्टीन तो मिला नहीं थर्टीन से बड़ा कौन सा है सिक्सटीन तो ये लेंगे टू की पार फोर ये ले लेंगे टू की पार फोर माइनस थर्टीन तो सिक्सटीन माइनस थर्टीन इस बार आपको तीन बाय देने पड़ेंगे है तीन बाय दे देंगे और राउंड कितने होंगे राउंड होता है टू की पार एन में एन चार राउंड हो जाएंगे ठीक है अब लोअर हाफ और अपर हाफ अपर हाफ में कितनी टीम होगी एन प्लस वन बाय टू थर्टीन प्लस वन फोर्टीन अपॉइंट टू सेवन और लोअर हाफ में एन माइनस वन अपॉन टू थर्टीन माइनस वन अपॉन टू सिक्स तो देखो अपर हाफ में एक ज्यादा आई मैं ये बता रहा था आपको अपर हाफ में हमेशा एक ज्यादा आती है परफेक्ट हो गया सही हो गया चलो अब इसको बना के देखते है, हमारे पारे पारे हैं हमारे पास है थर्टीन टीम्स तेरह टीमें हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है अब आपको क्या करना है अपर हाफ में सात टीम्स और लोअर हाफ में छह टीम्स देखो हो गई अपने आप अपर हाफ में सेवन लोअर हाफ में सिक्स बाईस कितने देने थे बाईस देने थे तीन तीन बाय देने हैं और बाय कैसे देने हैं नून नीचे इसको मिलेगा ऊपर ऊपर खत्म नीचे होता तो ये होता ठीक है नहीं है नीचे ऊपर ऊपर नीचे फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे चलना था ठीक है राउंड कितने थे कितने राउंड आए थे चार राउंड आए थे तो यहाँ पे नून हटा रहा हूँ मैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर ये तो गई राउंड टू में ये भी गई राउंड टू में ये भी गई राउंड टू में ये तो राउंड टू में जाएंगे ठीक है राउंड वन में इन दोनों का मैच होगा 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 और इन दोनों का मैच होगा हो गया ठीक है फिर इनमें से जो भी जीतेगा वो राउंड टू में जाएगा इससे लड़ेगा इनमें जो भी विनर्स होंगे वो आपस में लड़ेंगे जो विनर होगा वो इससे जो विनर होगा वो इससे ठीक है परफेक्ट अब राउंड थ्री में इन दोनों के विनर्स और इन दोनों के विनर्स और राउंड फोर फाइनली देखो हम पहुंच गए फाइनल तक और यहाँ से हमारा विनर आ जाएगा कितने मैचेस हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह मैचेस काउंट इसलिए करता हूं ताकि ये पता लगे कि मैंने सही पिक्चर बनाया या नहीं बनाया ठीक है, है देखो बन गया ना आसानी से परफेक्ट ठीक हो गया चलो अब करते हैं इलेवन टीम्स लेट सपोज ग्यारह टीमें ग्यारह टीमें हैं तो अब तो फटाफट क्विकली कर लोगे क्विकली करना है अगर मुझे तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले कि टीम्स कितनी हो गई एन इज इक्वल टू इलेवन मैच होंगे दस बाईस कितने होंगे बाईस जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं टू के पार एन माइनस ग्यारह ऐसा लिख दूँ अब आपको पता अब तो याद हो जाना चाहिए दो चार आठ सोलह तो टू की पार फोर ही आने वाला है टू की पार फोर माइनस इलेवन सोलह माइनस ग्यारह इस बार पाँच बाईस देने पड़ेंगे आपको कितने बाईस देने पड़ेंगे पाँच बाईस देने पड़ेंगे ओके राउंड्स कितने होंगे चार राउंड्स होंगे अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी आपको पता है एक ज्यादा करनी है तो ग्यारह हैं, तो छः होंगी लोअर हाफ में पांच होंगी वैसे अगर एन प्लस वन पॉइंट टू कर लेना एन माइनस वन पॉइंट टू कर लेना चलो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह हो गया छे ऊपर पांच नीचे बाइस देने बाईस आपको पता है नून यानी कैसे चलेगा नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे पांच देने थे मुझे इसमें हो गया नहीं हो गया देखो पांच बाइस देने थे मैंने टोटल पांच बाइस दे दिए कैसे चलना है यहां से चलना है नीचे ऊपर ऊपर नीचे आ गया अब देखो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि अगर इवेंट टीम्स होती हैं तब तो हमेशा बाइस बराबर बराबर चलते हैं टीम्स ही तो एक, एक मिला था लेकिन अगर ओट टीम्स हैं तो ऊपर वाली को एक कम मिलता है नंबर ऑफ बाईज जैसे पाँच थे तो फाइव माइनस वन अपॉइंट टू फोर अपॉइंट टू इसको दो मिलेंगे और इसको फाइव प्लस वन अपॉइंट टू सिक्स अपॉइंट टू इसको तीन बाइज मिलेंगे बाइज में नीचे वाले हाफ में हमेशा एक, एक, एक एक्स्ट्रा बाय होता है देखो चेक करो यहाँ दो मिले यहाँ तीन मिले फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस राउंड कितने हुए थे सर चार राउंड होंगे ना राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड ये तो गई राउंड टू में ये 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 भी ये भी ये भी भी गई राउंड 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 में में चलो भाई तुम लोग भिड़ो पहला मैच दूसरा मैच राउंड वन में तीसरा मैच राउंड वन में जो भी जीतेगा वो इससे लड़ेगा जो भी जीतेगा वो इससे जो भी जीतेगा वो इससे और ये दोनों सीधा राउंड टू में लड़ेंगी ठीक है उसके बाद इनमें से विनर एक इधर यहां इनमें से विनर एक इधर यहाँ और फाइनल आपका विनर यहाँ से हमें विनर मिलेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस मैच हुए टेन मैचेस होने चाहिए थे ये हमने वेरीफाई कर लिया फिक्सचर हमारा बिल्कुल ठीक है आई बात समझ में इवन कैसे बनाना है अवॉर्ड कैसे बनाना है ग्यारह टीम हो गई तेरह टीम हो गई चलो अब तुम लोग ट्राई करोगे आज घर पे फिफ्टीन टीम्स नाइनटीन टीम्स ये आपका होमवर्क है बना के देखो प्रैक्टिस करके देखो 15 टीम्स 19 टीम्स में कैसे फिक्सर्स बनते हैं तो आई होप आप लोगों को फिक्सचर्स वाला पार्ट बढ़िया तरीके से समझ आया कैसे बनाने और ये हमने अभी करा है किसके अंदर बाइज के साथ ठीक है फिक्सचर्स में मैंने आपको सिखाया बाइज अब मैं आपको सिखाता हूँ फिक्सचर्स विद सीडिंग्स तो भाई अब मैंने सीडिंग का क्वेश्चन लिखा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन क्या आएगा ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ इलेवन टीम्स आउट ऑफ विच फोर आर सीडेड आपकी बुक्स में क्वेश्चन बहुत कॉमन है मैंने बुक खोली तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आया तो मैंने कहा यही करा देता हूं तो क्या लिखा है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ इलेवन टीम्स आउट ऑफ विच फोर आर सीडेड तो देखो ग्यारह टीम है ये हमने ग्यारह का फिक्सचर भी बनाया है अभी ये सिखाया मैंने आपको तेरह के बाद हमने ग्यारह का बनाया सही अब इसमें चार को सीड करना है तो हम सर सीडिंग कब करेंगे सीडिंग के लिए अभी आप पहले नॉर्मली जैसे चलते हो वैसे ही चलते रहो ठीक है ग्यारह टीम है तो आपने क्या करा था वन टू थ्री फोर अपर हाफ में छ होंगी लोअर हाफ में पांच होगी ठीक है ना ग्यारह टीम थी तो बाईस कितने देने पड़ेंगे बाईस में हमें पता था टू कीपार फोर माइनस इलेवन टू कीपार फोर यानी कि सोलह माइनस ग्यारह तो पांच बाइस आए थे राउंड कितने हो जाएंगे चार राउंड होंगे तो राउंड वन लो सर अब बाइस कैसे देते थे नून है ना तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे फिर नीचे इस तरीके से चलता था चलता था या नहीं चलता था अब क्या करना है बेसिकली ये गया राउंड टू में ये भी गया राउंड टू में ये भी गया राउंड टू में ये दोनों भी गए राउंड टू में ये आपस में लड़ेंगे राउंड वन में ये भी आपस में लड़ेंगे राउंड वन में यही हम लोगों ने सीखा था ना बेसिकली यही सीखा था अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे इनकी सीड भी करनी है सीड कैसे करते हैं सर सीडिंग का क्या तरीका है सीड का मतलब उन्हें आगे ले जाओ सीड का मतलब क्या है उन्हें आगे ले जाओ तो सीडिंग के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या चलता है प्रोसेस चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ठीक है लेकिन यहां पे याद रखना कि इस बार इस बार क्या होगा इस बार दो बार लगातार लोअर हाउस में आप रहने वाले हो ठीक है किस तरीके से होने वाला है मैं आपको बताता हूं कि क्या है हमारे पास लोअर हाफ में क्या करना है हमें किस तरीके से करना है देखो सीड करने के लिए ऊपर नीचे ऊपर, नीचे ये याद रखना तो देखो क्या करूंगा सबसे पहले किस तरीके से करना है हमें स्टार्ट करना है एक बार नोट कर लो फिर कहीं कहो हम लिख ही नहीं पाए ठीक है शुरू करें शुरू करें चलो सबसे पहले ऊपर तो ऊपर मतलब यहां से शुरू करूंगा कलर बदलता हूं इसको कर दूंगा ऊपर ये हो गया ऊपर ठीक है फिर नीचे ये हो गया नीचे ठीक है फिर ऊपर लेकिन अब आपको यहां नहीं जाना ये याद रखना ऊपर का मतलब इसी में रहना है ऊपर नीचे ऊपर एंड नीचे ऐसे चलना है ठीक है दोबारा से समझ लो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ठीक है ये तो बेसिक याद रखना सही अब ऊपर है तो अपर हाफ में नीचे है तो लोअर हाफ में अब अपर में नहीं जाना पहले लोअर में ही रहना है लोअर में फिर अपर में ऐसे और इस प्रोसेस को रिपीट करना है ये सीडिंग इस तरीके से करनी है समझ गए परफेक्ट हो गया बस अब आपकी सीडिंग हो गई तो ये जो सीडिंग वाली टीम्स सा ये आगे चली जाएंगी और कुछ नहीं है बाकी वैसे ही पिक्चर जैसे बनता है कोइंसीडेंटली हमारी जो बाइस और सीडिंग्स थी वो मैच कर गई जितने भी टीम को हमने सीड करा है वो ऑलरेडी अगले हाफ में थी अगले राउंड में थी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है अब क्या होने वाला है सर बस उसी तरीके से मैच होंगे इनके आपस में ठीक है इसको आगे ले जाओ इससे इसको आगे ले जाओ इससे इसको आगे ले जाओ इससे ये दोनों आपस में फिर ये इससे और इससे और यहां आपका सीधा अवेनर आ जाएगा तो सीड कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और ये याद रखना ऊपर नीचे ऊपर नीचे जिसमें लोअर हाउस में दो बार रहना है ठीक है ऊपर नीचे फिर नीचे उसी में ही उसी में ही और फिर ऊपर जाना है ठीक है ये याद रखना तो इस तरीके से हमारे पास आ, सीडिंग करी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए तो बाइज हो गया सीडिंग हो गया फिक्सर्स हमने बना लिए नॉकआउट टूर्नामेंट के भी लीग टूर्नामेंट के भी नहीं लीग के नहीं बनाए नॉकआउट के बना दिए हमने इवन और ओल्ड अब चलते हैं लीग लीग पे कि लीग में किस तरीके से फिक्सर्स बनाए जाते हैं तो गाइज बिफोर द लीग एक क्वेश्चन और है जो स्पेशल सीडिंग का है और स्पेशल सीडिंग का भी क्वेश्चन मैंने सोचा आप कर लो क्योंकि फिर अगर एग्जाम में डायरेक्टली आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमने वीडियोज में एक एक चीज कवर करी है तो यह भी नहीं छुटना चाहिए तो देखो क्या क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आता है ट्वेंटी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बीस प्लेयर्स हैं ठीक है उनके फिक्सर्स बनाओ लेकिन याद रखना कि चार प्लेयर को कैसे रखना है चार प्लेयर को हमें रखना है स्पेशल सीडिंग में फोर प्लेयर्स को हमें कैसे रखना है स्पेशल सीडिंग में अब सर स्पेशल सीडिंग क्या होता है तो जो स्पेशल सीडिंग होता है स्पेशल सीडिंग होता है कि इन प्लेयर्स को सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में खिलाया जाएगा इनको शुरू में खिलाने की ज़रूरत नहीं है इनका प्रीवियस परफॉर्मेंस इतना शानदार है कि इनको अभी रोक के कोई फायदा नहीं है ये जाएंगे सीधा किसके अंदर सेमीफाइनल्स uh, या क्वार्टर फाइनल्स में तो चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पिक्चर्स कैसे बनाने है। तो 20 हैं।, 20 हैं तो यार बीस टीम्स हैं वो बीस प्लेयर्स हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन प्लेयर्स प्लेयर्स 20. 20 हो हो गए गए अब देखो नंबर ऑफ टीम्स या मैचेस हो कितने होंगे बीस माइनस एक उन्नीस बायस हमें देने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं जरूरत है क्योंकि देखो अगर देखा जाए हर टीम एक दूसरे से भिड़ सकती है बड़े आसानी से परफेक्ट है या नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली बायस के लिए क्वेश्चन ने बोला भी नहीं क्वेश्चन ने बोला कि आप स्पेशल सीडिंग कर दो स्पेशल सीडिंग करनी है चार प्लेयर्स की स्पेशल सीटिंग करनी है कितने प्लेयर्स की चार प्लेयर्स की नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे नंबर ऑफ राउंड्स के लिए मुझे देखना पड़ेगा टू की पावर एन माइनस एन टू की पावर एन माइनस एन तो आओ जरा चेक करें कौन सा चलेगा टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर तो ये आ गया दो चार आठ सोलह सर ये तो चलनी ना टू की पावर फाइव बत्तीस तक चलेगा ये हम तो है ना तो थर्टी टू और टू पार फाइव तो ये जो फाइव है ये हमारे पास बन गया नंबर ऑफ राउंडस आर आ गया पाँच आर कितना आ गया हमारे पास पाँच आ गया तो हमें क्या करना होगा पाँच राउंड होंगे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर फाइव में फाइनल होगा ये सेमी होगा ये क्वार्टर फाइनल होगा तो हम एक काम करते हैं सीधा क्वार्टर्स में ले जाएं जिनकी सीडिंग करनी है चार प्लेयर्स की सीडिंग कैसे करनी थी मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन लोअर हाउस में आपको दो बार हाउस कहता हूँ मैं बार बार लोअर हाफ में आपको दो बार यहाँ पे रखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले ऊपर तो ये हमारा हो गया पहला सीड फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ठीक है या नहीं है तो सीडिंग और बाइज में प्लीज ध्यान रखना गलती ना हो ओके ठीक है चलो जी अब क्या करना है इसको आप सीधा भेज दो कहाँ पे ये तो गया सीधा क्वार्टर में ये भी गया क्वार्टर फाइनल में ये भी गया क्वार्टर फाइनल में और ये भी गया क्वार्टर फाइनल में अब राउंड वन में इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच इन दोनों का मैच ठीक है राउंड टू में इनका इनका ठीक है राउंड वन में इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का और इन दोनों का फिर राउंड टू में इनका ऐसा हो गया ठीक है अब राउंड थ्री में एक पहले से बैठे हैं भाई साहब यहाँ भी एक पहले से बैठे हैं एक पहले से बैठे हैं एक पहले से बैठे हैं राउंड फोर सीधा सेमी हो रहा है ये लो जी लो जी और राउंड फाइव में होगा सीधा आपका फाइनल यहाँ से आपका विनर आ जाएगा परफेक्ट है या नहीं है कितने मैचेस हुए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नाइनटीन मैचेस हमारे यहाँ पे हुए थे तो दिस इज हाउ स्पेशल सीडिंग की मदद से आप कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन ठीक है अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर लीग टूर्नामेंट के ऊपर लो सर अब लीग में क्या होगा लीग में हर टीम हर दूसरी टीम से भिड़ेगी अभी तक देखो क्या हो रहा था अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जैसे सपोज ये 18 है इसका 19 से मैच हुआ और किसी से हुआ ही नहीं अगर सपोज ये हार गया तो बाहर लीग में ऐसा नहीं होता लीग में क्या होता है हर टीम एक दूसरी टीम से भिड़ती है तो यहाँ पे ना दो तरीके की क्वेश्चंस आ सकते हैं पहले तो ये नोट कर लो अगर टीम्स ओड हैं तो थोड़ा सा फार्मूलाज चेंज होंगे इवन हैं तो थोड़े से फॉर्मूलाज चेंज होंगे ठीक है इसको नोट डाउन करो फटाफट से देखो टीम्स को हम यहाँ पे भी एन बोलेंगे नंबर ऑफ मैचेस जो पहले सीधा एन माइनस निकल रहे थे अब ऐसा नहीं है लीग में क्या होता है एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन अपॉइंट टू ये होता है और जो नंबर ऑफ राउंड है वो हम एन को ही मान लेते हैं अगर ओड है अगर इवन है तो एन माइनस वन याद रखना ठीक है चलो सर साइकिल चलाना सिखा दो फटाफट से कैसे होगा तो अगर इवन है तो इवन में लेट सपोज मैं फोर टीम्स ले लेता हूँ ठीक है और ओड में बना के देखेंगे थ्री टीम्स का सही है जी चलो सबसे पहले चार टीम का बना के देखते हैं कि साइकिल मेथड में करना क्या है तो देखो मेथड में हमें साइकिल चलानी है ओके okay. अब सबसे पहले क्या करो सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो दो पार्ट्स में अगर चार टीम्स है तो दो दो हो जाएंगी सही अब मैं इसको कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा वन टू थ्री फोर तो देखो इस तरीके से साइकिल चल रही है या नहीं चल रही है वन टू थ्री फोर अगर आप इधर से चलो वन टू थ्री फोर भाई कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो इस तरीके से भी चल सकता है तो आप एग्जाम में कैसे भी चल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चाहे ऐसे चल लेना चाहे ऐसे चल लेना आपका जो फिक्सचर बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा ओके तो अब क्या कर रहा हूं मैं सिंस मैं राइट right हैंडेड हूं तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा मैं यहीं से ऐसे लेके चलूंगा अपना सिस्टम ओके okay. अब क्या करना है आपको देखो टीम्स कितनी थी हमारे पास चार टीम थी तो एन तो हो गया फोर नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे फोर फोर माइनस वन अपॉन टू दैट इज फोर इंटू थ्री अपॉन टू ट्वेल्व अपॉन टू तो छ मैच होंगे ठीक है छह मैच होंगे राउंड कितने होंगे राउंड होंगे हमारे एन माइनस वन यानी फोर माइनस वन तीन राउंड होने वाले हैं राइट तो ये तो हो गया मेरा पहला राउंड दिस इज माई फर्स्ट राउंड एक राउंड टू ले लूंगा एक राउंड थ्री ले लूंगा आप चाहो तो उधर भी ले सकते हो क्योंकि आदत वैसी पड़ी हुई है अरे 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 तो हम लोग क्या कर सकते हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ठीक है अब यहां पे क्या करना है देखो यहां पे आपको इसको करना है फिक्स्ड एक टीम को आपको फिक्स कर लेना है ठीक है यहां पे भी मैंने लिखा वन ये फिक्सड हो गया यहां पर लिखा वन ये फिक्स हो गया अब फिक्स करने के बाद आपको साइकिल चलानी है सर साइकिल कैसे चलानी है यहां पर जगह बदलेगी यानी ये वाली टीम यहां आ जाएगी ये वाली टीम यहां आ जाएगी और ये वाली टीम घूम के यहां आ जाएगी क्योंकि वन तो फिक्स है ना ठीक है तो अब क्या होगा टू पहुंच जाएगा यहां तीन की जगह पे तीन पहुंच जाएगा चार की जगह पे चार आ जाएगा यहां पे घूम गया चल गया साइकिल अब क्या करना है फिर साइकिल चला दो ये इधर ये इधर और ये घूम के यहाँ वन फिक्सड है टू ऊपर आ जाएगा थ्री यहाँ आ जाएगा चार यहाँ आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं और आगे चलूँ तो फिर साइकिल चलेगी अगर साइकिल चलेगी तो वन तो फिक्सड है तो फिर दो घूम के यहाँ तीन यहां चार यहां ये यह ऑलरेडी हो चुका है देखो हो गया या नहीं हो गया तो ये तो होना ही नहीं था क्योंकि राउंड मुझे पहले ही पता था कि कितने होने वाले हैं तीन ही होने वाले हैं हमें पहले से ही पता था कि राउंड कितने होंगे थ्री होंगे तीन हो गए या नहीं हो गए परफेक्ट है तो अब अगर देखा जाए अब क्या होगा यहाँ पे आपके फिक्सर्स तैयार है यार आपके फिक्सर्स तैयार हैं सर बन भी गए और क्या देखो अब क्या होगा वन का फोर से मैच होगा टू का थ्री से मैच होगा वन का थ्री से होगा फोर का टू से होगा वन का टू से होगा और थ्री का फोर से होगा तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए दो चार छः उसके बाद रैंकिंग्स बनेंगे पॉइंट्स बनेंगे और पॉइंट्स के आधार पर हम चीजें फाइनलाइज कर देंगे दिस इज हाउ साइक्लिक मेथड से एक लीग टूर्नामेंट के फिक्सर्स बनाए जाते हैं समझे सर अगर टीम ओड हो अच्छा इसका होमवर्क तो ले लो चार टीम्स हैं तो छह टीम्स का आप ट्राई करोगे सिक्स टीम्स ये आप ट्राई करोगे अगर तीन टीम है सर फिर क्या करें अब तीन टीम है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करूं अभी तक तो ये होता तो था वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे फोर तो है नहीं तो यहाँ पे कौन किससे लड़ेगा भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे बाइस देने पड़ेंगे फिर से क्या देने पड़ेंगे बाईस देने पड़ेंगे बट बिफोर दैट कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लें नंबर ऑफ टीम्स कितनी है नंबर ऑफ टीम्स है तीन नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे थ्री इंटू थ्री माइनस वन अपॉइंट टू राउंडस कितने होंगे तीन ही राउंड होने वाले हैं क्योंकि इसमें तो एन के बराबर होता था याद रखना लीग है ओड में जो नंबर ऑफ राउंड है वो एनी होते हैं राइट तो यहाँ पे कितना होगा थ्री इंटू टू सिक्स पॉइंट टू तीन तीन मैच होंगे यहाँ कितने मैचेस होने वाले हैं तीन मैचेस होने वाले हैं यस yes. चलो अब क्या करना है आपको बायस देना है ना तो तीन राउंड्स है राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री आप सबसे पहले बाय ही लिख लो सबसे पहले बाय लिख लो और इस बाय को कर लो फिक्सड इसको फिक्स कर लो अब लिखो वन टू थ्री पहला राउंड बन गया अब सर्कल घूमेगा साइकिल है साइकिल आगे चलेगी तो तीन घूम के यहाँ आ जाएगा वन यहां टू यहां ठीक है फिर अगले में टू यहां थ्री यहां वन यहां सही है देखो वन यहां से घूम के यहां पहुंचा फिर ऊपर पहुंचा वापिस यहीं आ जाएगा तो यही होने वाला है यही होने वाला है तो अगर तीन टीम है तो वन का टू से वन का थ्री से टू का थ्री से यही मैचेस बनते हैं और आपके इसी तरीके से फिक्सचर्स तैयार होते हैं साइकिलिक मेथड में बात समझ में आई चलो अब ओवर्ड का भी आप एक होमवर्क फाइव टीम्स का आप बना के देखना कि पांच टीम्स का साइकिलिक से आपसे सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है समझ गया किस तरीके से करना है साइकिलिक वेरी सिंपल वेरी सिंपल और एग्जाम में आ जाता है स्क्रीनशॉट ले लो अब हम चलते हैं स्टेयर केस मैथड की तरफ जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक स्टेयर केस मैथड इज द लास्ट एंड द इजीएस्ट मेथड इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इवन ओड का कोई पंगा ही नहीं है सो स्क्रीन शॉट लो या नोट करो हमारे पास स्टेयर केस मैथड में चाहे इवन हो चाहे ओड हो टीम्स को वही एन बोलेंगे नंबर ऑफ टीम्स एन रहेगा नंबर ऑफ मैचेस एन एन माइनस वन अपॉइट टू सेम पीछे वाला और नंबर ऑफ राउंड एन माइनस वन एक ही बार चलने वाला है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इवन ले लें तो चार टीम का बना के देख लेते हैं ऑर्ड ले लें तो पांच टीम का बना के देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है सिक्स टीम्स दिस इज योर होमवर्क स्टेयर केस से बना के देखोगे और सेवन टीम्स ठीक है तो ये आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? अब देखो आपको क्या करना है सिंपली अगर चार टीम है सर तो एन तो फोर ही रहेगा यहां पर एन फाइव रहेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इनके तो मैचेस होंगे फोर फोर माइनस वन अपॉइंट टू मैचेस यानी कि फोर इन थ्री ट्वेल्व टू सिक्स मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइव फाइव माइनस वन अपॉइंट टू फाइव फाइव माइनस फोर फोर फाइव ट्वेंटी यहाँ पे दस मैच होंगे टोटल और जो नंबर ऑफ राउंड वो एन माइनस वन तो राउंड्स यहाँ पे तीन होंगे चार माइनस एक पांच माइनस एक यहाँ पे जो राउंड्स हैं वो चार होंगे सही है परफेक्ट है अब हमें स्टेयर्स बनानी है स्टेयर केस क्या है सीढ़ियां बनानी है तो सर सीढ़िया कैसे बनानी है आओ सबसे पहले चार टीम्स का देखते हैं तो बड़ा सिंपल है चार टीम्स है ना पहली टीम पहले किससे भिड़ेगी सेकेंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से हो गया काम फर्स्ट टीम पहले किससे मैच खेला सेकेंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से सबसे खेल लिया अब सेकेंड देखो सेकेंड फिर से भाई सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड थर्ड से सेकेंड फोर्थ से लेकिन फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट ये तो हो चुका है तो दोबारा थोड़ी ना होगा तो इसे हटा दो इसकी जरूरत नहीं है ये हो चुका है भाई ठीक है या नहीं है तो बस सेकेंड थर्ड से खेलेगी और फोर्थ से सही है अब थर्ड की बात करूं तो थर्ड फर्स्ट से भी खेल चुकी है सेकेंड से भी खेल चुकी है तो थर्ड सीधा खेलेगी फोर्थ से फोर्थ की बात करें तो फोर्थ फर्स्ट से ऑलरेडी हो गया सेकेंड से ऑलरेडी हो गया थर्ड से ऑलरेडी हो गया सॉर्टेड हो गया सर बन गए और क्या लो बन गए देखो ये बन गए आपका राउंड वन ये राउंड टू ये राउंड थ्री और ये हमारी सीढ़ी तैयार इस पर हमारा चिंटू चढ़ के आराम से ऊपर जा सकता है तो राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री मैंने आपको बताया था कि तीन ही राउंड्स होंगे कर लो वेरीफाई मैंने आपको बताया था कि छः मैच होंगे एक दो तीन चार पाँच छः हो गए टीम्स कितनी थी चार थी बन गया स्टेयर वेरी सिंपल हाँ या ना अब देखो अगर सर पांच टीम्स हो फिर क्या करना है फिर क्या कुछ कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं यार इस बार चार राउंड होंगे पांच टीम है ना करो काम शुरू वापिस से पहली टीम किससे दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवीं से हो गया काम अब सेकंड वाली फर्स्ट से ऑलरेडी भिड़ चुकी है तो सेकंड वाली थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से तीसरी वाली फर्स्ट और सेकंड से ऑलरेडी खेल चुकी है तो तीसरी वाली चौथी से खेलेगी और पांचवी से खेलेगी फोर्थ वाली पहले से दूसरे से तीसरे से ऑलरेडी हो चुका है चौथी पांचवी से खेलेगी बस खत्म हो गया डन आओ पांचवी वाली सबसे हो चुका है फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर हो गया ठीक है बना दो सीढ़ियाँ लो राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर स्टेयर केस मेथड तैयार राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर मैंने बताया था चार राउंड होंगे दस मैच होंगे कर लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस दस मैच होंगे तो दिस इज हाउ गाइजे केस मेथड में फिक्चर्स बनते हैं आई होप आई रियली होप आप लोगों को बहुत अच्छे से फिक्चर्स बनाने आ गए होंगे सीडिंग का का समझ समझ में आ गया होगा, का समझ में आ आ गया गया होगा होगा और आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब आई एम वेरी मच होपफुल कि आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो तो ऑल द वेरी बेस्ट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको शेयर जरूर कर देना सभी के साथ और प्रैक्टिस जो मैंने होमवर्क में दिया है वो जरूर करके जाना ऑल द बेस्ट एवरी फॉर फिजिकल एजुकेशन फोड़ के आना